चलिए आगे बढ़ लेते हैं। ऊना के कुटलहर विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र भुट्टो ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पर जमकर हमला बोला। उनका कहना है कि सीएम बार बार झूठ बोलकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी विभाग मुख्यमंत्री के पास है, आप इनकी इंक्वायरी करवाएं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश की जनता कांग्रेस को इसका जवाब 4 जून को जरूर देगी और भारतीय जनता पार्टी भारी मतों के साथ भारी अंतर के साथ जीत हासिल करेगी। कई बार मुख्यमंत्री की बातें सुन के बड़ी मुझे हैरानी होती है कि ये कौन से बिचकाने बयान देते हैं। इनको शायद ये नहीं पता कि पीडब्ल्यूडी के टेंडर जो ऑनलाइन होते हैं, चाहे अमेरिका से कोई डाले या इंग्लैंड से कोई डाले, और जो बार बार लोगों को झूठ का जो भ्रम आप फैलाते हो, अगर आप में सच्चाई है तो मैंने आपको 2 नोट्स तो मैंने आपको ही भेजे हैं पहले, माना नहीं, अब क्यों चिंता कर रहे हैं। और रही तीसरे की बात, जैसे आपने बोला है पहले ज्ञान लें, पहले जाके अगर मेरे बेटे ने पहले साल में 5 करोड़ का कारोबार किया है तो कुछ चिंता का विषय नहीं है। डिपार्टमेंट आपके पास है, आप इंक्वायरी कराइए, है कुछ के आपके पास कुछ नहीं, इंक्वायरी आपने करवा के देख ली, हर जगह आप झूठे पाए जा रहे हैं। और ये झूठ की राजनीति कितने दिन चलेगी आपकी? आज आपने इतना बड़ा बयान बंगाणा में दिया, आपको क्या लग रहा है कि इन बयानों से भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी? भारतीय जनता पार्टी पहले से डबल मार्जिन से चुनाव जीतेगी, क्योंकि लोगों ने आपका सच जान लिया है। मैं तो ये कहूंगा जो एक ठगों की सरकार जो लोगों ने गलती से बना दी थी कांग्रेस की, आज लोग पछता रहे हैं कि हमने कौन सा गलत काम कर दिया, क्योंकि आपने 14 महीने में बंद के सिवाय कुछ नहीं किया और हर जगह एक ही आपकी सरकार को जो है एक ही वो मिल रही है वादी, जो वादी आपको मिल रही है वो मिल रही है रोंदड़ू सरकार, हर बार रोने वाली सरकार। आज कर्मचारी आपको रो रहा है, ना उसका टीए दिया गया ना डीए दिया गया, और आप बार बार करते हैं बातें कि जी मैंने सरकार में ये कर दिया वो कर दिया। हम मेरा भी 22 साल का एक्सपीरियंस एक क्लास का ट्रैक्टर का रहा हूँ, जितना मैंने इस सरकार में काम करने वाले लोगों को दुखी देखा मैंने किसी को नहीं देखा। और चिंता मत करिए, आप 4 तारीख का इंतजार करिए, आपके सामने जो रिजल्ट आएंगे ना आपको दरवाजा बंद करने से बाद कुछ भी याद नहीं आएगा, आप देखेंगे कि मेरे साथ लोगों ने किया क्या, क्योंकि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। और देवेंद्र कुमार भुट्टो क्या करता है क्या नहीं करता है कुल्याण की जनता 25 सालों से जानती है। ये जो आप बार बार आके अभी किसी को झूठे बयान देने बंद करिए, अगर हिम्मत है डिबेट के लिए आइए, मैं तैयार बैठा हूँ, भेजिए अपना नुमाइंदा कोई ना कोई। और ऊना में मैं तो हरियाणा का एक आपका शिष्टमंडल गया था, एक वहां इकट्ठा होकर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और कुछ लोग, और जो वकील वहां मेरे खिलाफ SP के पास कंप्लेंट देने गया था, जानते हैं लोग उसको, हरोली वाले वकील को, उन लोगों ने जब भी कांग्रेस की सरकार आई है तो लूटा है सरकार को। वो लोग हैं जो किसी और वकील को काम ही नहीं करने देते हैं, अगर चाहे बैंक की बात हो चाहे किसी डिपार्टमेंट की बात हो तो सिर्फ एक वकील का नाम होता है जो कल मेरी कंप्लेंट करने गए थे। दुनिया जानती है कि देवेंद्र कुमार भुट्टो कितना कितना ईमानदार और कितना बड़ा और भी क्या क्या काम करता है। हमने सेवा किया, सेवा करेंगे और सेवा के बारे में सोचते हैं।